हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। तो चलते शुरू करते हैं डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 12। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 11B, अगर नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वैभव कुमार क्लासेस के देख सकते हैं। और अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड इंटरमीडिएट क्लास 12 का PDF आपका अवेलेबल कराया जाएगा। तो फटाफट से आप लोग जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप अपने बुक से क्वेश्चन नंबर 12 मिला लीजिए। चलिए देखते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड साथ साथ हम लोग कैश अकाउंट भी देखते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। और फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा है, मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है। और डेली बेसिस पर वीडियो आता है तो आप डेली क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन बनाएंगे डेली, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए, 2 डेप्टर अकाउंट 10,000 रुपया है, 2 स्टॉक अकाउंट 40,000, 2 प्लांट एंड फिक्चर 28,000 रुपया, 2 गुडविल अकाउंट 8,000 रुपया, 2 कैश क्रेडिटर में 11,400, 2 कैश एक्सपेंस 1,200। अगर इसमें आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लोग टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम तो 10 बजे से खुला रहेगा। आप लोग कोई भी अगर क्वेरी होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, तो खुला रहेगा ऐसे 10 बजे से। चलिए, अगर कोई भी क्वेरी आएगा तो पूछ सकते हैं। इधर देखते हैं, बाय क्रेडिटर 12,000 रुपया, बाय कैश डेप्टर 8,400, बाय कैश स्टॉक 36,000, बाय कैश प्लांट मशीनरी 22,400, बाय कैश गुडविल 12,000। दोनों तरफ जोड़ने के बाद घटाने पर आ जाता है 7,800, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए 5,200 एंड बी 2,600, रेशियो के हिसाब से बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप देख सकते हैं। चलिए, एक ही साथ हमने बना दिया है क्योंकि एक ही जैसा था इसीलिए। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस BD 40,000 रुपया ए का और 20,000 बी का। चलिए, इधर आ जाता है हमारा 2 रियलाइजेशन अकाउंट 5,200 रुपया ए का एंड 2,600 रुपया बी का। दोनों तरफ जोड़ने के बाद घटाने पर आ जाता है हमारा 34,800 ए का एंड 17,400 बी का। यहाँ पर हम लोग 2 कैश अकाउंट लिख दिए हैं। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कैश अकाउंट। दोस्तों देखते हैं हम लोग कैश अकाउंट, यहाँ पर 2 बैलेंस BD 2,000 रुपया, 2 रियलाइजेशन अकाउंट 78,800 एंड इधर देखते हैं क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,600, बाय ए कैपिटल 34,800, बाय बी कैपिटल 17,400 एंड बाय बी लोन ए लोन। तो ए का लोन यही ना, तो ए लोन यही लिखेंगे 16,000। दोनों तरफ जुड़ने पर आ जाता है 80,800 एंड इधर भी 80,800। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। और अगर रेगुलर बेसिस पर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आप रेगुलर बेसिस पर हमारे अकाउंट्स का क्वेश्चन देख सकें। और अगर आप BCOM से तो BCOM भी देख सकते हैं, और इंटर का जो क्लास 12 है वो इंग्लिश का भी पढ़ाई हो चुका है। और आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, समरी अच्छा मार्क्स मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। और प्लेलिस्ट में जाकर वैभव कुमार क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर जो भी इंग्लिश का समरी है उसे अच्छे से ग्रेड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।